नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं हूँ महाराणा प्रताप ISBT कश्मीरी गेट न्यू दिल्ली में। और बहुत लोग कभी कभार बस में आ जाते हैं, लेकिन मेट्रो में सफ़र करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि वो नए होते हैं। तो आज मैं महाराणा प्रताप ISBT कश्मीरी गेट से लेके येलो लाइन का आपको सफ़र दिखाऊंगा। अगर आपको या आपके किसी दोस्त को येलो लाइन लेके कहीं पर जाना है तो प्लीज़ इस वीडियो को उसे दीजिए, एक रेफरेंस के तरीके से काम करेगी। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये महाराणा प्रताप ISBT कश्मीरी गेट का मेन गेट, इससे ही एंट्री होके पीछे की तरफ आपको बसेस मिलती हैं हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लिए। तो चलिए दोस्तों, सफ़र को शुरू करते हैं। ये रहा मेन गेट, और अगर आपको कभी बस पकड़नी है तो इधर से एंट्री करके इसके पीछे की तरफ बसेस मिलेंगे आपको हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के लिए। और यहाँ से जैसे ही आप बाहर आएंगे, बहुत आसान रास्ता है। और सबसे पास में जो ISBT के सबसे पास में मेट्रो गेट पड़ता है कश्मीरी गेट का, वो है गेट नंबर 7। तो वैसे तो आप किसी से पूछेंगे आपको कोई भी गाइड कर सकता है, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको, ये है मेट्रो का गेट नंबर 7। तो बहुत सिंपल है, देखिए ये रास्ता, ये सामने ही ISBT है कश्मीरी गेट, और ये रहा मेट्रो का गेट नंबर 7। तो चलिए सिक्योरिटी चेक इन करते हैं और मैं आपको मिलता हूँ सिक्योरिटी चेकअप्स के बाद। तो ये है मेन एंट्रेंस, वहाँ से हम लोगों ने सिक्योरिटी चेक इन किया था। और यहाँ पे आपको अगर कोई टिकट चाहिए, टोकन चाहिए होगा तो यहाँ से मिलेगा, और अगर आपको कार्ड बनवाना होगा तो यहाँ से बनवाया जा सकता है। और फिर जैसे कि ये लोग कार्ड को या टिकट्स को यूज़ करके वापस आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, ऐसे ही आप लोग भी एंटर कर सकते हैं। और यहाँ से एस्केलेटर और सीढ़ियों का यूज़ करके ऊपर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंट्री है ऊपर की तरफ। वैसे तो यहाँ पे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, किसी भी आपको स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाना है, जैसे टूवर्ड्स रिठल जाना है तो ये देखिए टूवर्ड्स 3, यानी लेफ्ट की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग आए हैं गेट नंबर 7 से, और अभी जा रहे हैं येलो लाइन की तरफ, ठीक है। टूवर्ड्स रिठल जाना है तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। तो आप देख सकते हो आपके साइन बोर्ड्स हेल्प करेंगे यहाँ पे हर चीज़ के लिए। वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 4, वहाँ उसी तरफ। तो आपको शहीद स्थल जाना है अगर, तो यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और कुछ फूड काउंटर्स भी हैं यहाँ पे, अगर आपको भूख लग रही है या ज़रूरत है तो ज़रूर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दिल्ली की भीड़, दिल्ली भीड़ के लिए बहुत फेमस है। तो देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है येलो लाइन के लिए नीचे जाएं, तो मैं वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हुआ नीचे जा रहा हूँ। कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी दोस्तों आपको, वैसे तो एस्केलेटर्स और सीढ़ियों दोनों का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो साइन बोर्ड्स का यूज़ करें, उसे समझें। और एक और बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं, दिल्ली मेट्रो ने जो किया है, आपको जनरली किसी से पूछना नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने फुटप्रिंट्स बना दिए नीचे। जैसे ये देखिए, येलो के लिए येलो फुटप्रिंट्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपको येलो लाइन की तरफ जाना है तो एक्चुअली इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करते करते आपको डायरेक्शन मिल सकता है कि येलो लाइन किस तरफ है। तो ये बेसिकली मैं येलो लाइन की साइड जा रहा हूँ। येलो लाइन में दो प्लेटफॉर्म आते हैं, एक समयपुर बादली की तरफ और दूसरा हुडा सिटी सेंटर की तरफ। तो आप नीचे उतरें तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि राइट साइड में जो भी मेट्रो आपको मिलेगी वो हुडा सिटी सेंटर जा रही होगी, और जो लेफ्ट साइड में प्लेटफॉर्म आएगा जब नीचे उतर रहे होंगे, ठीक है, वो समयपुर बादली की तरफ होगा। मॉर्निंग ऑफिस जाने वालों का रश एज एक्सपेक्टेड। मेट्रो की सर्विस बहुत अच्छी है दोस्तों, इसीलिए कभी भी चढ़ते हुए या उतरते हुए हड़बड़ी ना करें, ठीक है, आराम से चढ़ें, क्योंकि हर 2 या 5 मिनट में जनरली बिजी रूट्स पे मेट्रो अवेलेबल होती है। तो आराम से चेक इन करें, आराम से अंदर जाएं, और अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है तो किसी से पूछ भी लीजिए। गलत होने से बेहतर है किसी से पूछ लिया जाए।
तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगली मेट्रो कोटा सिटी सेंटर जाएगी जो 3 मिनट में होगी, 3 मिनट के बाद आएगी। आपको रश डेफिनेटली मिलेगा, ये मॉर्निंग का टाइम, दिल्ली मेट्रो दिल्ली की जान है। क्या है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए स्टार्टिंग के 2 कोच मेट्रो में रिजर्व होने वाले हैं, और अगर आप मेल है तो 2 कोच स्टार्टिंग के मेट्रो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में छोड़ के चढ़े। तो देख सकते हो साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है कोटा सिटी सेंटर 2, यानी कि अगले 2 मिनट में एक मेट्रो आएगी और ये कोटा सिटी सेंटर की साइड में आएगी। तो ट्रेन कोच कितने हैं वो भी डिस्प्ले हो रहा है। तो पर्सनल सजेशन ये रहेगा मेरा कि आप थोड़ा पीछे वाले कोचेस में जाएँ, क्योंकि जनरली क्राउड सेंटर में ही ज़्यादा होता है, और आप पीछे जाएंगे तो आपको इतने रश का फेस नहीं करना पड़ेगा। 54 हो चुका है तो बिल्कुल पीक आवर से, इसीलिए ऑलमोस्ट हर जगह पब्लिक दिखाई दे रही है। रूल्स का फॉलो करें, लाइन को यूज़ करें, लाइन में लग जाएं। देखिए 2 मिनट बाद दोस्तों 1 मिनट बचा हुआ है और मेट्रो आ भी गई है। तो देखिए ये एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसे ही मेट्रो रुकेगी ये खुलेंगे और आप अंदर एंटर कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए जिनकी ज़रूरत है। और ये रहा आपका एंट्री।